द्वारा बनी हुई गुड़िया जिसे हाथों से नचाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिखेंगे वर्ण। अगर कदम का पेड़ फूल जाता है, उसमें फल लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि सावन क्या है, खत्म हो गया है। बादल का कोप
नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम, फूले कदम, फूले कदम। बादलों का कोप नहीं रीता, अर्थात बादल क्या है, बारिश हो रही है, बादल बहुत तेज बरस रहे हैं, अर्थात उनका कोप कम नहीं हो रहा। जाने कब से तू बरसला, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम, अर्थात कदम का पेड़ बरसात में क्या है, बहुत ललचाई सी आंखों से देखता है, क्योंकि बारिश की वजह से कोई उस तक पहुंच नहीं पाता। अब हम पढ़ेंगे कठपुतली, जो लेसन हमने आज पढ़ना है पार्ट चार। कठपुतली गुस्से से उबली, धाग बोली, ये धागे क्यों भी मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली क्या है, ये धागों से बंधी हुई है और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि इसको धागों से नचाया जाता है। तो गुस्से में क्या बोल रही, धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, कह रहे कि धागों को हटा दो और मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे अपने ऊपर निर्भर होने दो, मुझे धागों से नचाओ नहीं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। वो कठपुतली और उसके साथ में उसकी साथी कठपुतलियाँ भी बोल रही हैं कि बहुत दिन हो गए हमें अपनी मन की बात सुनना है या कहना है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात कठपुतलियाँ जो कि धागों के सहारे ही जिनका जीवन होता है, उनमें से एक कठपुतली सोच रही है कि ये कैसी इच्छा है जो मेरे मन में जगी हुई है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात को व्यक्त करना चाहती हैं, उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार करने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है, अर्थात दूसरों के ऊपर निर्भर होती, जैसा हम चाहें उन्हें नचा सकते हैं, नहीं नचाना चाहें खड़ा कर सकते हैं। उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। क्या कह रही वो कि मुझे अपने पैरों पर छोड़ दीजिए, वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, हम सभी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच समझ करके कदम उठाना जरूरी समझती है। अर्थात कठपुतलियों के माध्यम से कवि हमें स्वतंत्रता से परिचित कराना चाह रहा है कि किस प्रकार से हम भी कहीं ना कहीं दूसरों के इशारों पर नाच रहे हैं। हम सब छटपटाते हैं स्वतंत्र होने के लिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे समाज हो, हम सब जगह से बंधे हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, खुश रहें, पर हमें दूसरों की बंदिशों में रहना पड़ता है। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, इसका सबसे पहला अभ्यास प्रश्न है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो क्या है, धागों पर नाच रही है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये सोच करके उसे गुस्सा आ रहा है। कठपुतली को अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती, क्योंकि कठपुतली का जो जीवन होता है वो दूसरों के धागों से बंधा हुआ है, धागे छोड़ देने पर उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, इसलिए कठपुतली छटपटा रही है, पर वो पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी, क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि सभी कठपुतलियाँ स्वतंत्र होना चाहती हैं, वो स्वतंत्रता की बात कर रही है, इसलिए कठपुतली को उस कठपुतली की बात अच्छी लगी कि किसी ने तो स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी,
क्योंकि इसलिए चिंतित है कि उसका जीवन तो धागों से ही बना हुआ है, धागे छोड़ देने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, कल हम अभ्यास प्रश्न करेंगे।